हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। टोटल डेविलिना के एपिसोड होने वाले हैं 17, जो 21 मार्च से कोई और ड्रामा जो मारियो और किंग का ड्रामा है वो रिप्लेस करने वाला है। तो फाइनली ये ड्रामा इन होने के तगार पे आ गया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस, ताकि हम लोग कोई और ड्रामा ट्राई कर सकते हैं। हम एपिसोड स्टार्ट करें इससे पहले लास्ट पार्ट का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पाक के पास मतलब उसने किसी को ऐसे गाड़ी से उड़ाया था, उसके बारे में मैडम लोन जाके बाकी बाबा को बता देती है। और पाक के पापा तो थे हार्ट पेशेंट, उनको हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल पे लिया जाता है, पाक को इसके बारे में पता चल गया। सो अभी वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मैडम लोन को, वो आता है पाक के पापा के घर पे और वो देखती है वो तो यहीं पर है और पाँच बज चुके थे। वो सोचती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और उसके बाद अपने ड्राइवर को ढूंढते हैं और उसका गाड़ी आ जाता है। तो मैडम लोन कुछ देखी बगैर गाड़ी के अंदर चली जाती है और वो बोलती कि तुम कहाँ पर मर गए थे, तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ पर हूँ, अगर मैं मर जाती तो क्या होता। ये सुनने के बाद तो ड्राइवर नहीं बल्कि पाथी पा बोलते हैं कि आप जैसे औरत को ना जहनुम में भी अच्छा जगह नहीं मिलने वाला है, आप जहनुम को क्यों खराब कर रही हो। और पा को देखने के बाद मैडम लोन शॉक में आ जाती है और वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और गाड़ी रुको, ऐसा वो बोल रही थी। और पा बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं सुनती और वो गाड़ी को चलाई जा रही थी वो उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसके घर का रास्ता भी नहीं था। मैडम बोले थे कि तुम क्या मेरी जान लेने वाली हो। पा एक बहुत बड़ा खेत वाला एरिया था, वहां पर जाके मैडम नॉन को निकालती है और उसके बाद एक बंदूक था वो दिखा के मैडम नॉन को बोलती कि आगे चलो आगे चलो। और उसके बाद जो मैडम नॉन थी वो बोले थे कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, तो जो पा है वो कुछ भी बोले रही थी और उनको आगे पहुंचाने के लिए बोले जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है मैडम नॉन पा को चकमा देने की ट्राई करती है, जिसके चक्कर में दोनों में लड़ाई भी हो गई थी। पा मैडम नॉन को किचन में बहुत बुरी तरह से गिरा देती है और उसके बाद वो बोलती है कि पता है मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, मुझे पता है आप मुझे बहुत नफरत करती है, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से मेरी फैमिली ना या फिर मेरे पापा को इन्वॉल्व मत कीजिए। पता है मैं यहाँ पर आपको क्यों लेके आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी जगह है ना वो सब मेरे पापा का है और मेरे पापा कोई ऐसे रह चलते आदमी नहीं है। उन्होंने उनको ना लैंड बेचनी थी लेकिन उन्होंने नहीं बेचा था कि यहाँ पर जो लोकल पीपुल है वो लोग यहाँ पर कुछ उबा के खा सके। मेरे पापा इतने अच्छे हैं, आपकी तरह मतलब भी नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन होता तो शायद आप ये सब कुछ बेच देती। तो यही फर्क है ना मेरे पापा और आप में, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप मुझे दुश्मन मानती है कोई बात नहीं, मुझे हट करना चाहती है कोई बात नहीं, हट कीजिए, लेकिन ना या फिर पापा को इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ना अगली बार ना गन नहीं, ये फेक वाला गन नहीं बल्कि असली गन होगा बोल के वो उसको ऐसे वहां पर छोड़ती है और उन्हें ऐसे किचन में फिर से गिरा देती है। और पा काफी ज्यादा गुस्से में वहां से निकल जाती है, मैडम लोन तो चिल्लाती रह गई थी। और उसके बाद पा को दिखाया जाता है पा काफी गुस्से में थी, वो जोय से बात कर रही थी। जोय पा से पूछती है कि तुम मैडम लोन को वहीं पर छोड़ के आ गई। पा को घर पे दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा सैड थी ना, उसे पूछता है क्या हुआ है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। और तभी पा कुछ भी नहीं बोलती, वहां से जाने वाली थी, इग्नोर करते हुए ये बोल के कि मैं पापा के साथ आज हॉस्टल पे रहने वाली हूँ। ये सुनने के बाद जो नाई उसे रोकती है, बोलता है कि क्या हुआ है पा मुझे बताओ ना। ये सुनने के बाद पा को पा बोलती है नाई को कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी औरत की बहू बन पाऊंगी जो मेरे पापा की जान के पीछे पड़ी हुई है, आज ऑलमोस्ट मेरे पापा उसकी वजह से मर सकते थे, ऐसा वो बोलती है। तो इस सुनने के बाद नाई उसे गले लगाता है और वो बोलता है कि हम दोनों साथ में आ चुके हैं, हमें इतनी इजीली हार नहीं मानना है, एक दिन हमारे पेरेंट्स हमारे प्यार को जरूर समझेंगे, ऐसा वो बोलता है। पा भी जैसे बहुत कंफ्यूज थी। हमें दिखाया जाता है मैडम लोन घर पे आती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। सो ऑप्शन शिफ्ट होता है, ट्राई मेट को ढूंढ रहा होता है, देखता है कि जो नेड है, नेड को पता, नेड ने इतना ज्यादा गंगामा खड़ा किया था कल रात को कि मैडम लोन को भी पता चल गया है कि ट्राई का बच्चा है। और उसके बाद जो चाय है वो ये भी बोल रही थी कि प्लीज यार तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना खामखा सीन हो जाएगा, तो मेरे अंकल आंटी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे के बाद ट्राई वहां से जाने वाला था, वो देखता है नेड वहां पर उसे पानी में डूबने की ट्राई कर रही है, तो वो उसे बचा के बाहर निकलने की ट्राई करता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम नहीं मर सकती। ऐसे सुनने के बाद नेड बोलता है कि किसने कहा मैं मर रही हूँ, मैं तो बस स्टार्टिंग जैसे पोज दे रही थी ताकि मुझे ना बेवकूफ इंसानों की बातें सुननी ना पड़े, मुझे ओवरथिंकिंग करनी ना पड़े, ऐसा बोल के जाने वाली थी। ट्राई उसे बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है मैं सिंगल डैड रहूंगा और भले ही तुम मुझसे प्यार ना करती हो, तुम मेरे साथ ना हो, लेकिन मैं पूरी रात तुमसे प्यार करूंगा और हमेशा मैं तुम्हारे लिए सिंसियर रहूंगा। सुनने के बाद नेर हंसते बोलते कि मैं खूबसूरत हूँ, रिच हूँ, टैलेंटेड हूँ, मुझे तुम जैसे किसी इंसान के ऊपर डिपेंड होने की क्या जरूरत है, मुझे तो कोई भी मिल सकता है, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ना बेस्ट चूज करूंगी और वो बेस्ट में तुम तो बिल्कुल भी नहीं आते
बोल के वहां से जाने वाली होती है। तब ये ट्राई उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है ना तो प्रूफ करो, ऐसा वो बोलता है। नेट को किस करता है, वो उसे एक तमाचा मारती है। तो जो नेट को है ना ऐसा बोलता है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती तब मेरी आंखों में देख के बोलो, बोलता है। नेट उसे बोलने वाली थी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ऐसा बोल भी देती है लेकिन ट्राई भरोसा कर नहीं रहा था। और उसे बोलता है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे किस काम से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बोलता है। ऐसे एक बार नेट बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोल के उसे किस करने लगती है। तो इनका रोमांस चल ही रहा होता है, वहां पर मैडम नुआन आ जाती है। मैडम नुआन आने के बाद दोनों को ऐसे चिल्ला के नाम लेती है, सो नेर तो शौक में आ गई। और उसके बाद मैडम ने ट्राई को बोलती कि तुम जैसे घटिया इंसान जो मेरी बेटी को फंसा रहे थे, वह हिम्मत कैसे है मेरी बेटी के साथ एक्सेप्ट करने की, तुम मेरी बेटी को फंसाने की ट्राई कर रही थी। तभी ट्राई समझाने की ट्राई कर रहा था मैडम ने उनको कि मैं नेर के लिए बहुत सिंसियर हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और कोई भी मुझे नेर से अलग नहीं कर सकता, ऐसा वो बताने की ट्राई कर रहा था। मैडम ने साफ साफ शब्दों में बोल देती है कि अगर तुमने फिर से नेर के आस पास आने की ट्राई भी किया या फिर नेर से नेर को मनाने की ट्राई भी किया पैचअप करने के लिए तो तुम्हारे अंकल और आंटी भी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा हो बोल के वहां से चली जाती है। और उसके बाद जो ट्राई है उसे नचाते हुए वहां से जाना पड़ता है। उसके अंकल आंटी उसके पीछे आते हैं और उसके बाद उसकी आंटी बोलती है कि अगर तुम सच्ची में मेरे से प्यार करते हो ना तो जाओ उसे उसका दिल फिर से जीत के देखो दिखाओ, क्योंकि गलतियां तो हर इंसान से होती है लेकिन बड़ा वो इंसान होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उससे मूव ऑन कर पाए। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने गलत जरूर किया हुआ है लेकिन गलती इतनी भी बुरी नहीं थी कि उसका सुधारा नहीं जा सकता, तुम अपने प्यार के लिए लड़ो, ऐसा बोल के उसके अंकल आंटी उसे मोटिवेट करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जब नाई और पा चले जाते हैं तीन के घर पे, तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर तो नाई था नहीं, सॉरी तीन और उसके फैमिली थी नहीं। सोचने के बाद लोग सोचते कि लोग कहाँ जा सकते हैं क्योंकि उन दोनों को अच्छी तरह से पता है दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी। और उसके बाद रॉबर एक लेडी जा रही होती है, जब पा और नाई उसको पूछते है तो वो लेडी बोलते है कि सुबह उनका बेटा टीन आया था वो लेके चला गया। सो टीन का नाम सुनने के बाद नाई शॉक में आ जाता है क्योंकि जो टीन का नाम है ना वो ऑलरेडी सुन चुका था क्योंकि उसे एक बात पता थी कि नेट को उसने हट करने की ट्राई किया हुआ था। और उसके बाद जो नाई है वो लिंक को कनेक्ट करने की ट्राई करता है और अब नाई को समझ में आता है कि शायद जो क्लिप है वो टीनी मॉम को भेजा होगा क्योंकि टीन उस घर में आया था, इसके बारे में नाई को पता था। और उसके बाद जो नाई है थोड़ा सैड हो जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे इतना डाउट होने लगा है, डा के देख के पीछे भी कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद पा बोलते कि इसका मतलब तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा होने लगा है ना कि तुम्हारी मॉम जीतने के लिए खुद को जिताने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी लेवल पे जा सकती है। तो नाई कुछ भी बोल नहीं पाता, इसका मतलब ये था कि नाई को आप अपनी मॉम पे थोड़ा ज्यादा डाउट होने लगा है कि वो कितनी बड़ी एबिल है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैडम नुआन नेट के साथ बात कर रही होती है। नेट को ऐसा लग रहा था कि आज के हादसे की वजह से मैडम नुआन उसे डांटने के लिए बुला रही है लेकिन मैडम नुआन बोलते हैं कि जब दिल टूटता है ना तो सबसे ज्यादा शॉपिंग करनी चाहिए ताकि तुम्हारा मन बाहर लगा रहे। और वो उसे अकाउंट जो एटीएम कार्ड है वो देती है, बोलती है जितना मन चाहे शॉपिंग कर सको। नेट बोलती है कि मॉम आप मुझे गुस्सा नहीं है, तो मैडम नुआन बोलती है कि मैं क्यों गुस्सा होंगी, मैं तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, भले मैं बहुत खराब मदर थी लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी कैसा फील करे और तुम ना उस कमी में ट्राई को याद भी मत करना, उसके ऑलरेडी एक बच्चा है तो तुम थोड़ा रिलैक्स हो, जितना समय करना कर दो, बोल के उसे भेज देती है। सो हमें दिखा जाता है नेक्स्ट सीन में जो जैंग थी, जैंग मतलब ट्राई की जो गर्लफ्रेंड अभी जो बोले है ना प्रेग्नेंट जो वो वाली, तो उससे ट्राई कर करके बोलता है कि मुझे तुमसे कल मिलना है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं मैं ठीक है मैं आ रही हूँ। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो जैंग है वो लॉयर अंकल के साथ थी, तो तब रिवील होता है गाइस ये सब तो मैडम नॉन का प्लान था। तो क्या था ना, जैंग को उन लोगों ने पैसे दिया हुआ था ये आग करने के लिए कि वो ट्राई की बच्ची की माँ बनने वाली है ताकि जो नेट है उसे बुला सके। और उसके बाद वो पूछ रही थी कि मुझे कब तक ये एक्टिंग करना पड़ेगा, तभी ओलायर अंकल बोलते हैं कि जब तक नेट उसको बुला नहीं पाती। तभी वो बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे बहुत लंबे समय तक वो याद रहे और उसे बुला ना पाए तो मैं तो प्रॉब्लम में फंसूंगी ना, ऐसा वो बोल रही थी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो मैडम नुआन है, मैडम नुआन को अंकल तो हम कॉल करके वही बता रहे होते हैं। और फिर से मैडम नुआन को कॉल आता है जो टीन था उसका, और ये क्या था ना मैडम नुआन ने पैसे दिए हुए थे टीन को इसलिए वहां से शिफ्ट हो गया।
तो मैडम ने उनको बोला था कि मुझे सुबह मेरे पड़ोसन ने बताया कि ट्राई और नाई और पा मेरे घर पे आए हुए थे, तो शायद हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर उन लोगों ने पुलिस को क्लिप दे दिया तो, क्योंकि उसे आइडिया हो गया कि मैंने क्लिप आपको भेजा है, ऐसा हो बोला था। इसने बाद मैडम ने बोलते कि ये सब तुम झेल लो, तुम संभाल लो, जैसे तुम कर सकते हो ऐसे कर लेना, ऐसा हो बोल देती है। सुनने के बाद जीन बोलता है ठीक है मैं खुद अपने तरह से ही हैंडल कर लूंगा। अब हम देखते हैं आखिरी सीन जहाँ पर जो पाए अपने पापा के पास जाती है और पापा के सामने ना उसे ऐसे फेस करने की हिम्मत हो नहीं रहती। पापा पूछते कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बताया क्यों नहीं, क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ। तो पापा बोलते हैं कि एक बार ना मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई थी आपके कार को लेके, उसी टाइम पे मुझसे हो गया। सुनने के बाद पापा उसके सर पे एक बार मारते हैं, बोलते कि अच्छा हुआ वो इंसान जिंदा था वरना तो तुम तो जेल पे चली जाती। आज के बाद में ऐसी कोई भी बात मुझे मत छुपाना और आई होप तुम्हें सबक तो मिल गया होगा ना। तभी पापा बोलते कि बहुत बुरा सबक मिला है पापा, ऐसा हो बोलती है। और उसके बाद पापा बोलते कि काम करो ना, निक को यहाँ पर लेके आओ, मुझे निक को और तुम्हें साथ में देखना है, पता नहीं मैं कब मरूंगा, ऐसा हो बोलने लगते है। ये मरने वाली बात सुनने के बाद पापा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पापा से बोल रहे थे कि पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी पापा बोलते कि अब ऐसा तो वो हो नहीं सकता ना कि मैं सोच के मरूंगा, तुम्हारी मॉम भी तो ऐसे अनएक्सपेक्टेडली गई थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें प्रॉपरली गुड बाय पहले ही बोल दूंगा ताकि बाद में तुम्हें बुरा ना लगे या फिर मुझे ऐसा फील ना हो कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ बोले बगैर अपनी बेटी को आ गया, ऐसा वो बोलते है। पा तो रोने लग जाती है और वो अपने पापा को गले लगा रही थी। यहीं पर ये वाला पार्ट मैं खत्म कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो इसका आखिरी एपिसोड है वो मैं बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।